गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। BJP was protesting against Arvind Kejriwal, and now the protesters have been detained and being taken away in the bus. I'll ask my camera person to keep showing the protesters. Ma'am, आप लोगों को detain किया गया है, आप लोग क्यों protest कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हमें detain किया गया है, लेकिन दुख इस बात का है कि सच्चाई की जीत जब होती है तो detain किया जाता है। हम दिल्ली के भारतवासी हैं, दिल्ली के निवासी हैं, इतने सालों से हमारे साथ घोटाला करते आए हैं। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस की सरकार को गिराने के लाए हैं, इस विश्वास में हमने आपको वोट दिया था केजरीवाल जी कि आप अपना झाड़ू लेकर भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे, लेकिन आप तो हम मासूम दिल्ली वासियों का सफाया कर रहे हैं। जैसा कि लग रहा था, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सम्मान का सम्मान ना करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। ये पांचवा सम्मान है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सम्मान को इवेट किया है। अरविंद केजरीवाल इसको अनलॉफुल कह रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार पांचवी बार बोल रहे हैं कि इल्लीगल है। तो सवाल ये उठता है अरविंद केजरीवाल साहब, अगर ये सम्मन इलीगल है तो आज तक आप कोर्ट जाके इसको क्वैश क्यों नहीं कराया? ये आपकी टैक्टिक्स है, अपने आप को बेचारा दिखाने की एक कोशिश है, और ये एक टूल किट है इंडी के गठबंधन के सब नेताओं का। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे, अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे।